आज हम बनाएंगे मकई की रोटी बगैर किसी मेहनत के, बगैर हाथ लगाए, बगैर आटा गूंदे। और ये सबसे आसान तरीका है मकई की रोटी बनाने का, और ये मुश्किल काम है मेरे बहनों के लिए मकई की रोटी बनाना। तो इस मुश्किल काम को आज बनाते हैं आसान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं जी मुसा खान और तमाम दोस्तों को विलेज फूड पॉइंट पर खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले जी तवे के नीचे आग लगा लेंगे, तो इसे जी बोलते हैं काने। ये तवे के नीचे रख लेंगे, और तवे को जी आयल के साथ साफ कर लेंगे। ये है जी आयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह से जी इसको साफ करना है हमने। तो जी हमारा तवा जो है ना वो गर्म होता रहेगा, और हम बंदोबस्त करते हैं जी आटे के, और चन्नी में जी एक कप मकई का आटा डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह से इसे छान लेंगे। एक और कप जी डाल देंगे इसमें, और ये इसको भी अच्छी तरह से छान लेंगे। तो माशाल्लाह मकई के आटे को हमने अच्छी तरह से छान लिया है, और ये कचरा जो है ना ये रह गया है माशाल्लाह। तो इसे एक साइड पर रख देंगे, और आटे में जी डाल देंगे एक कप पानी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आटे को भी अच्छी तरह से जो है ना चम्मच के साथ गूंद लेंगे। हाथों के जरिए भी जो है ना आप इसको गूंद सकते हैं, लेकिन हम जी चम्मच के साथ इसको गूंदेंगे, क्योंकि हमने इसको जी बनाना है हाथ लगाए बगैर। तो हम हाथ नहीं लगाएंगे, इस तरह से जी अच्छी तरह से जो है ना इसको गूंद लेंगे। तो चम्मच के साथ थोड़ा सा टाइम जो है ना ज्यादा लगेगा। तो इसमें जी डाल देंगे हसबे जायका नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोबारा जी इसमें पानी शामिल कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारा आटा जबरदस्त तैयार हो गया है। आपने इसे नरम सा बना लेना है, और हमारा तवा भी गर्म हो गया है माशाल्लाह। तो गर्म तवे पे मकई का आटा डाले, और फिर देखे जी कमाल। तो आटे को इसी तरह से जी फैला लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी इसको खोल लेंगे माशाल्लाह इसके जरिए जी, और इसका साइड जो है ना तब्दील करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त, हाय हाय क्या मकई की रोटी बनी है माशाल्लाह। मेरी बहनों का काम जो है ना आज आसान हो गया है, बहुत ही सिंपल है, और बहुत ही जल्द भी बनता है मकई की रोटी। और हाथ भी जो है ना आपने इसको नहीं लगाना, और बनेगी इतनी प्यारी कि आप जो है ना खाएंगे मजा भी आएगा, पकाने में भी मजा आएगा, और खाने में भी मजा आएगा सबको। माशाल्लाह क्या जबरदस्त लुक इसका आया है। तो माशाल्लाह इसको मेहमानों के सामने पेश कैसे किया जाता है, ये भी एक जबरदस्त सा चैलेंज है। तो इंशाल्लाह ये भी आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे जो है ना सर्व कर लेना है मेहमानों को, या खुद को। यार खुद भी हम जो है ना अपने लिए भी बनाते हैं, हम भी मेहमान हैं यार, इस दुनिया में हर कोई मेहमान है मेहमान। तो जी खाओ पियो और मजे उड़ाओ। तो माशाल्लाह जी हमारी मकई की रोटी जबरदस्त तैयार हो गई है। तो इसके ऊपर जी लगा लेंगे हम मक्खन, देसी मक्खन लगा लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए होए होए होए। और ये जी हमने देसी मक्खन जो है ना इकट्ठा किया है अपने गाय से जी, माशाल्लाह। रोटी को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन मक्खन लगाने के लिए जो है ना हमने हाथ भी लगा लिया है। तो माशाल्लाह जी इसे तवे से उतार लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। और तमाम रोटियां जो है ना हम इसी तरह से बना लेंगे, तकरीबन 9-10 रोटियां जो है ना हमने इसी तरह से बना लेने हैं। तो इसको मेहमानों के लिए कैसे सर्व किया जाता है ये आपके साथ शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह इसके ऊपर जी गांव में ऐसा ही रूटीन होता है कि इसके ऊपर जी डाला जाता है साग, इसी तरह से जी आप साग डालते हैं, और इसके ऊपर भी जी देसी मक्खन लगाया जाता है इसी तरह से। और हम जो है ना इसको ऐसे ही पेश करते हैं, और ऐसे ही खाते हैं माशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। और ये जी सब्ज रायता भी साथ है, और मक्खन भी जी साथ है, अगर चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होय होय होय, हाय अल्लाह। इसी तरह से जी मक्खन,
और साग और मकई की रोटी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या अच्छा साग है यार, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। राइट अभी साथ है जबरदस्त चटनी। जबरदस्त आ गया, जबरदस्त क्रंची बनी है यार। ये फिर चेक करे इसका नीचे वाला साइड मुझे चेक कर लो भाई, मकई की रोटी और इतनी बारीक यार है। 2024 का नेक्स्ट लेवल। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिए, ताकि किसी तरह से मकई की रोटी हमारे बहने घर में पकाया करे और हमारे तरह बंदे जो ना इससे फायदा उठाते रहें और मजे उड़ाते रहें। तो बनाइए अपने घर वालों के लिए जबरदस्त सी मकई की रोटी, माशाल्लाह क्या टेस्टी और क्या जबरदस्त जायका है। मैंने जी मकई की रोटी इस स्टाइल में बार बार खाया है और बार बार खाते रहेंगे। अगर आपने नहीं खाया तो आपने कमेंट बॉक्स में जी आपने हमें बताना है कि हमने नहीं खाया, अगर खाया है तो भी जी आपने बताना है कि हमने मकई की रोटी खाई है ऐसी, और घर वालों से फरमाइश करे कि ऐसी मकई की रोटी बनाइए जल्दी जल्दी से और देसी मक्खन के साथ जो है ना मेरे लिए पेश कर दे। और ये जी देसी माहौल में देसी लस्सी, एक चीज रह गया है, बाकी तो सब कुछ जी कंप्लीट है, वो रह गया है जी सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर दो ना यार। तो इंशाल्लाह मिलेंगे धड़ाधड़ से।